हम चाहे कितने भी फैंसी रेस्टोरेंट में खा लें, खाने का असली मज़ा ना स्ट्रीट फूड में ही आता है। बॉम्बे पुणे के स्ट्रीट फूड तो आपने बहुत ट्राई किए होंगे, बट आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ शिरडी के कुछ स्ट्रीट फूड जॉइंट्स, कुछ ऐसे आइटम जो मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग थे कि ये शिरडी में मिलते हैं। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो आई बिलीव है साई स्पर्श, और इनके पास देखिए ना कितनी सारी वैरायटी है पानी पूरी में, दही पूरी में। मैंने फ़िलहाल ऑर्डर किया है ये दही भल्ला आई एम सॉरी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा फिलिंग लग रहा है। दे देती हूँ आपको छोटी सी टेस्ट टेस्ट। अगर आप देख सकते हो बहुत कुछ है इसमें, सो गुड। पानी पूरी दही पूरी के साथ साथ इनके पास बाकी भी काफ़ी सारे आइटम्स थे। मैंने चूज़ किया मेरे लिए ये वाइट सॉस पास्ता। मैं देखना चाहती थी कि यहाँ का पास्ता कैसा होगा, काफ़ी क्रीमी था, हावेवर इतना मज़ा नहीं आया। अगर आउट ऑफ 5 की रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसे दूंगी 5 में से 3 स्टार। क्रीमी था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ था, बट वो टेस्ट में कुछ तो मिसिंग था। मैं चाहती थी कि हमेशा की तरह मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दूं, पर जो कि ये स्ट्रीट फूड जॉइंट्स हैं इनके डिटेल लोकेशन तो नहीं मिल पाएंगे, पर मैं ये ज़रूर करूंगी कि इनके सामने या बाजू में अगर कोई लैंडमार्क होगा तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी एंड आपको बता दूंगी कि क्या ये ऑपोजिट है, क्या ये बिसाइड्स है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। दही पर भी मैं दाबेली देखती हूँ ना तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे ही घूमते घूमते मैंने स्पॉट की ये दाबेली, बटर दाबेली, और भर भर के ये बटर डालते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है यहाँ पे, और इनकी दाबेली है सिर्फ 10 रुपये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे टेस्ट करूँ और आपको भी इसका छोटा सा रिव्यू दे दूँ। ऐसी दिखती है, दिखने में कुछ ऐसी है। चीयर्स। सो गुड, काफ़ी अच्छी है। ठंडी बढ़ती जा रही है और ठंडी में ना गर्मा गर्म मोमोज खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही मैं आई हूँ मोमोज खाने के लिए, गर्मा गर्म मोमोज। ये स्टीम मोमोज है, इनके पास स्टीम एंड फ्राइज दोनों भी है। स्टीम मोमोज 5 पीस इनके पास है 20 रुपीज़ एंड फ्राइड है 30 रुपीज़ ओनली। सो गुड। वैसे तो नाश्ता मैंने शुरू कर दिया है, बट मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आई हूँ रेडी अन्ना टिफिन्स इस डोसा कॉर्नर में। भले ही ये डोसा कॉर्नर है बट ये मील्स, डोसा, मेदू वड़ा, इडली, राइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइस सब कुछ सर्व करते हैं। इनका जो है वो मसाला डोसा भी सिर्फ 40 रुपीज़ का है, जिसमें ये यूज़ करते हैं घाटी मसाला, जो कि डोसा पे स्प्रेड होने के बाद काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
सब्जी है। ये आलू मटर की सब्जी है विद ग्रेवी में, पापड़ एंड अनियंस एंड लेमन। ये आपको ये डिश में मिलता है मात्र 50 रुपीज, 50 रुपीज में। मैं ये 5 रुपए से बेच रहा हूँ। ये डिश नियर अबाउट स्टार्ट किया था जब 5 रुपए में यही प्लेट दे रहा था, 5 पूरी, पापड़, कांदा, नींबू आजा। फिर दिन ते दिन रॉ मटेरियल के भाव बढ़ते गए, फिर 7 रुपया हुआ, 8 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, 12 रुपया हुआ, 15 रुपया हुआ, फिर 25, 30, 40, अभी जस्ट 50 रुपये रॉ मटेरियल की वजह से हुआ है। बट 50 रुपए में फिर भी लाइक 5 पूरीज एंड सब्जी इज क्वाइट अफोर्डेबल। मैं अभी मतलब पेट भर जाता है। ट्रू, मैं तो ज़्यादा खाती नहीं जैसे आपको पता, मेरा एपेटाइट बहुत कम है। बट मैं आपको अभी देने वाली हूँ टेस्ट टेस्ट। सही है, गरम गरम है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, मिलते हैं जल्दी। हाँ, अचार भी है, सॉरी आई मिस्ड आउट ऑन अचार, अचार भी है उसमें, अचार ओनियन लेमन और आलू मटर का ग्रेवी में। ये कंसेप्ट मुझे शिरडी में काफ़ी यूनिक लगा। यह है बजरंग भेल एंड इनके पास मिलेगी आपको अनलिमिटेड पानी पूरी 100 रुपीज में, वो भी सिर्फ। मैंने यहाँ पे इतनी पानी पूरी खाई है कि मैं क्या बताऊँ, लुक एट दैट हैप्पीनेस ऑन माय फेस। अभी यहाँ पे मेरे लिए बन रही है दही पूरी। अगर मैं इनके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये होटल साई छत्र के बिल्कुल बाहर ही रहते हैं, आप रोज़ इन्हें वहाँ पर स्पॉट कर सकते हो। काफ़ी कुछ खा लिया है, मोमोज से लेकर पानी पूरी तक एंड व्हाट नॉट। अभी टाइम है सोडा पीने का, चाहे दोपहर की गर्मी हो या रात का डिनर, उसके बाद सोडा पीने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। अभी मैं आई हूँ क्षत्रिया सोडा वाटर में और मैंने ऑर्डर किया है उनका फेमस जीरा मसाला सोडा। सोडा पीना एनी विच वेज डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जीरा मसाला के बाद मैं पुदीना या डबल मसाला भी ले सकती हूँ, बट करंटली तो मैंने उनका सोडा जीरा मसाला ट्राई करने का सोचा है। हार्डली 10 रुपीज़ का, एंड मैंने सुना है यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगती है शाम के टाइम पे इस जीरा मसाला को पीने के लिए स्पेशली। थैंक यू, आप देख सकते हो कितना फिज है इसमें, कितना फिज है। वाओ, मसाला आ चुका है, लेट मी क्विकली हैव इट, सो गुड। कितनी ब्यूटीफुल साइट है ना ये, अलग 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 कलर्स के सोडा यहाँ पे लगे हुए हैं,
नाम जो है मैं स्क्रीन पे पॉपअप कर दूंगी। ये पाइनएप्पल है, ब्लूबेरी, ये कैरी है, स्ट्रॉबेरी एंड काला खट्टा। कितना अच्छा लग रहा है ना इन्हें देखकर। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना कि आप शिरडी कभी आओगे और कब आप इन स्ट्रीट फूड जॉइंट्स को विजिट करोगे और खाओगे बढ़िया सा खाना इन शिरडी। ऑल्सो सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।